नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष बनी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गुरुवार को राजस्थान में पहुंची तो शाहजहांपुर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बने गुलाबचंद कटारिया ने पुष्पगुच्छ देकर उनकी अगवानी की। इस मौके पर कटारिया के साथ निवर्तमान अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। वसुंधरा राजे गुरुवार को नियत वक्त सुबह 9 बजे शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंची, जहां चेक पोस्ट पर पहले से मौजूद प्रदेश भर के कई जिलों से आए हजारों जनप्रतिनिधि, विधायक, जिला और ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपके सतपाल जी दोनों साहब मंडल अध्यक्ष, ये 51 किलो 51 वैसे मांगलिक अंक है और भगवान की कृपा से ये 51 किलो की जो माला पहनाई जा रही है ये हमारे लिए, हमारे प्रांत के लिए, हमारे देश के लिए मंगलकारी हो, वसुंधरा जी के लिए मंगलकारी हो। मैं डॉक्टर सीमा यादव को बुलाना चाहूंगा। सीमा जी आप आए और वसुंधरा जी को आप अपने करकमलों से जो चूनरी उठाएंगी। अजमेर से शाहजहांपुर पहुंचे भाजपा प्रतिनिधि मंडल में सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का माला और गुलदस्तों से स्वागत और अभिनंदन किया। अजमेर से अनेक वाहनों में विधायक अनीता बधेल, पूर्व विधायक हरीश छामनानी, पूर्व जिला प्रमुख सरिता गैना, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, जिला प्रचार मंत्री कंवल प्रकाश कृष्णानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद यादव, बीपी सारस्वत, पार्षद संपत सांखला, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष गोपाल बंजारा, उमेश गर्ग, मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह राजावत, नरपत सिंह, घिसुलाल गढ़वाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष और लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। कमल प्रकाश कृष्णानी ने वसुंधरा राजे को कैनवस पर बनाए गए उनके चित्र भेंट किए, जिन्हें देख राजे अभिभूत हो गई। राजे जिंदाबाद, 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 राजे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे सब बुजुर्ग हैं, भाइयों, माताएं, बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत सारे प्यार के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। की तैयारी में है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।